हेलो विवान वेलकम टू दी न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज और मैं हूं अनुभव गुप्ता तो यार एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है एम को लेके कि महाराष्ट्र में काउंसलिंग ये स्टार्ट हो गई है उनके सारे कॉलेजेस के लिए तो so, आज की वीडियो खासकर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जेबीआईएमएस बी एक्सपीरियंस के लिए किस तरीके से काउंसलिंग में अप्लाई करना है कौन कौन से एग्जाम एक्सेप्ट करेंगे क्या क्या डेट्स हैं इन सारी चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें आई वुड लाइक टू तो रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइन जरूर प्रेस कर देना और आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो वहाँ पे आपको कैट टेम के मॉक्स एंड वीडियोज भी मिलते हैं और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हो हमें इंस्टाग्राम हैंडल है स्टडी तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें CET सेल की तो CET सेल की ये जो वेबसाइट है सीई टी सेल डॉट एम ए महाराष्ट्र सीई टी और ओ आर जी दो हजार चौबीस पच्चीस की अपडेट हो चुकी है आप देख सकते हैं काउंसलिंग और एम बी ए और एम एम एस में एडमिशन का ये लिंक एक्टिवेट हो चुका है तो जब आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको ये एक पेज के ऊपर ले जाएगा और इस पेज के अंदर यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स है यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स मैंशनड है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं नोटिफिकेशन मैंशनड है एफ एक्स मैंशनड है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आपको करनी होगी और न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन जब आप करोगे तो उसके बाद उससे पहले हम न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करें हम इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स अगर हम बात करें कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो करनी है वो 12 तारीख से शुरू हो रही है एंड 22 तारीख तक आप ये कर सकते हो पाँच बजे तक उसके बाद ये आपको दस दिन का टाइम दिया गया है उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन बाय ऑनलाइन मोड जो होना है बाय महाराष्ट्र स्टेट या ऑल इंडिया कैंडिडेट सबके लिए वो तेरह तारीख से लेके और तेईस तारीख तक का टाइम दिया गया है और फिजिकल स्क्रूटनी मोड कैंडिडेट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का भी इसी टाइम के ऊपर होगा बट आप ऑनलाइन मोड के अंदर कर सकते हो इन्होंने क्लियरली एक चीज बोली है कि इफ नो एरर इज फाउंड तो उसको अलाउ कर दिया जाएगा ना इफ़ एरर इज़ फाउंड वो इंटीमेट कर दिया जाएगा और रिवर्ट बैक करना होगा ताकि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हो सके सो so, 13 से लेके 23 तारीख तक का आपके पास टाइम है प्लीज़ मेक श्योर कि जो आप रजिस्ट्रेशन है वो 22 तारीख तक ही आप कर लो उसके बाद फर्दर बोला गया है कि डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल लिस्ट फॉर महाराष्ट्र एंड ऑल इंडिया कैंडिडेट्स जो है वो पच्चीस सात को ये निकाल देंगे एंड अगर कोई ग्रीवेंस है तो वो ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी के बीच में उसको क्लियर करा जा सकता है और ये इन्होंने डेट रखी है एंड जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वेबसाइट के ऊपर वो थर्टीएथ जुलाई को आ जाएगी तो प्रोविजनल लिस्ट ट्वेंटी फिफ्थ को आएगी और फाइनल लिस्ट थर्टीएथ को आने वाली है तो अगर आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा तो फॉरेन नेशनल अगर आप हो या नहीं हो तो उस पर आप टिक करोगे उसके बाद आपको अपना फुल नेम डालना है आपको अपनी कंट्री चूज करनी है स्टेट चूज करनी है मोबाइल नंबर डिस्ट्रिक्ट ईमेल आई और पासवर्ड को आपको कन्फर्म करना है जिसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी अगर हम बात करें कि बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है इसके अंदर पार्टिसिपेट करने की तो सबसे पहले महाराष्ट्र कैंडिडेट्स महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स के बारे में अगर हम बात करें क्योंकि दो कैटेगरी में मेजरली बच्चे होते हैं एक महाराष्ट्र कैंडिडेट्स और दूसरे ऑल इंडिया कैटेगरी तो सबसे पहले शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया शुड हैव मिनिमम थ्री ईयर्स ऑफ बैचलर्स डिग्री यहाँ पे बोला है विद मिनिमम फिफ्टी परसेंट मार्क्स या एटलीस्ट फोर्टी फाइव परसेंट इन केस ऑफ रिजर्व कैटेगरीज ई डब्ल्यू एस एंड विथ डिसबिलिटी कैंडिडेट्स उसके बाद नॉन ज़ीरो स्कोर होना चाहिए मिनिमम महाराष्ट्र एम या सी एग्जाम के अंदर जो ऑल जो महाराष्ट्र कैंडिडेट्स हैं उनको सी उनसे स्कोर मांगा गया है वेयर एज जो ऑल इंडिया कैंडिडेट्स हैं वो कौन कौन से एग्जाम्स के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं और उनकी एलिजिबिलिटी क्या है कि सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए मिनिमम थ्री इयर्स की बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए जिसमें फिफ्टी परसेंट मार्क्स होने चाहिए फोर्टी फाइव परसेंट इन केस ऑफ रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स और वो कई सारे एग्जाम्स के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं नॉन जीरो पॉजिटिव स्कोर होना चाहिए वो सी के स्कोर से कर सकते हैं कैट के स्कोर से कर सकते हैं सी मैट के स्कोर से कर सकते हैं जैड के स्कोर से कर सकते हैं इसके अलावा एटमा से कर सकते हैं मैट से कर सकते हैं और जी मैट से भी कर सकते हैं तो ऑलमोस्ट सारे ही एग्जाम्स ये एक्सेप्ट कर रहा है तो अगर आपका किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर आया चाहे कैट में है सी मैट में है सी ई टी में है एटमा में है ओ एम एस कैटेगरी में ओ एम एस यानी कि ऑल इंडिया कैटेगरी और आउटसाइड महाराष्ट्र की ये जो कैटेगरी है उसके अंदर आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो इन सारे ही एग्जाम्स के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपने किसी में भी आपका स्कोर अच्छा है तो आपको कंसिडर कर लेंगे कोई इंटरव्यू नहीं होना कोई जी नहीं होना सिर्फ स्कोर आपको इनको सबमिट करना है और आपका एडमिशन हो जाएगा तो फ्रेंड्स ये थी बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट सीईटी को लेके तो यार जो भी बच्चे जे के एस्पिरेंट्स है प्लीज़ टाइम आ गया है आप काउंसलिंग में अप्लाई करने का चाहे आप जे में करना चाहते हो सिमसरी में करना चाहते हो जिस भी कॉलेज में आप अप्लाई करना चाहते हो तो काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई है तो प्लीज़ टाइमली इसके अंदर अप्लाई कर देना अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन के अंदर मैंशन कर सकते हो आप हमें व्हाट्सएप ई भी कर सकते हो प्लीज़ हमारी वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हो अगर आप हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो सो थैंक्स अलॉट ऑल द बेस्ट गॉड ब्लेस यू